तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसानों को पीएम मोदी दीपावली की सौगात देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 5 अक्टूबर को किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की 18वीं किस्त पीएम मोदी ने जारी की। उसके बाद आज जो है फिर से किसानों के बैंक खाते में 4000 रुपये जारी होने वाली है और खाद बीज के लिए 5000 रुपये भी अलग से भेजने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हर व्यक्ति को दीपावली पर जो है तोहफा या गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, इसी प्रकार पीएम मोदी जो है किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति को जो है दीपावली पे उसका मालिक जो है वो गिफ्ट देता है। इसी प्रकार जो है पीएम मोदी जो है दीपावली पे किसानों को गिफ्ट दे रही है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को खाद बीज के लिए 5000 रुपये देने वाले हैं। और साथ में चलिए मीडिया रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, मीडिया रिपोर्ट क्या बोल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, असम में किसानों को आज पीएम की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की सौगात जारी करेंगे। त्योहारों का सीजन, प्रधानमंत्री का किसान मिशन। दीपावली से पहले किसानों की बल्ले बल्ले, जारी होगी किस्त, तैयार है किसानों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा है कि किसानों की लिस्ट जो कि तैयार हो चुका है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, 2000 रुपये की 18वीं किस्त तो जारी हो चुकी है 5 अक्टूबर को। अब जो है देखें, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 18वीं किस्त भेजने के बाद फिर से जारी होने वाली है 4000 रुपये, जिसकी त्योहारों का सीजन में जो है पीएम मोदी किसानों को गिफ्ट देने वाले हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि दीपावली से पहले किसानों को दीपावली का तोहफा मिलने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 18वीं किस्त भेजने के बाद फिर से किसानों को जारी होने वाली है 4000 रुपये, और ये दीपावली का तोहफा माना जा रहा है। पीएम मोदी एक ट्वीट करके भी जानकारी दिया है और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि किसानों को दीपावली का तोहफा 4000 रुपये मिलने वाले हैं, जिसका इंतजार किसान काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दीपावली से ठीक पहले किसानों को पीएम मोदी का तोहफा मिलने वाला है। आज 4000 रुपये की राशि किसानों के बैंक खाते में जारी हो चुकी है, यानी कि 2000 रुपये की 18वीं की जो कि 5 अक्टूबर को मिला था, अब जो है आज 4000 रुपये मिला है। कैसे मिला है जानिए, पूरी डिटेल्स के साथ बताते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि आज 4000 रुपये की 18वीं की जारी होने के बाद आने वाले 4 से 5 दिनों में किसानों को खाद बीज के लिए भी 5000 रुपये अलग से मिलेंगे, जिसका कमेंटमेंट पीएम मोदी ने किया था। अब यहां पे पीएम मोदी का ट्विटर हैंडल पे ट्वीट देख सकते हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18वीं किस्त भेजने के बाद फिर से किसानों को दीपावली का तोहफा, जो कि दीपावली से पहले ही दिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दीपावली से पहले क्यों दिया जा रहा है, दीपावली के दिन दिया जाना चाहिए था, इसके बारे में भी हम आपको समझाते हैं। देखिए, आप किसान हैं और किसानों को दीपावली से पहले अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो आप खेती में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जो है एक गिफ्ट के तौर पे किसानों को दीपावली से पहले ही उसका गिफ्ट दिया जाता है। अब आपको बता दें, इसकी राशि जो है वो DBT के ऑफिशियल पोर्टल पे भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको DBT government of India GOV.in पे जाना होगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल है। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि टोटल बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, जो कि टोटल पेमेंट जो है ट्रांसफ़र की जाएगी, वो 39,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन आ चुका है, चूँकि सिंपली आपको क्लिक करना है और इसके बाद जो है आपको अपने फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक और नया पोर्टल खुल के आएगा। अब आपको ये सोचना है, ये सेलेक्ट करना है कि आप किस योजना के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। आप फसल बीमा आपदा योजना सब टिटल टाइटल मिशन सब मिशन एग्रीकल्चर, तो ये बहुत सारे फर्टिलाइजर यानी खाद बीज के लिए जो है 5000 रुपये यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं। इसकी लिस्ट जारी हो चुकी है और यहाँ पे जो है, और 8वें नंबर पे जो है वो है पीएम किसान योजना के अंतर्गत ये राशि मिलने वाली है। इसके ये जो है आपको सिंपली क्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पोर्टल खुल के आ जाएगा। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक और नया ऑप्शन आपके सामने पीएम किसान योजना का पोर्टल खुल के आ जाएगा, और सिंपली आपको नीचे आने के बाद जो है बेनिफिशरी लिस्ट करके आएगा, उस लिस्ट पर आपको क्लिक करना है, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ चुका है कि पीएम मोदी ने जो 5 अक्टूबर को पेमेंट जारी किया था वो भी आप देख सकते हैं, चूँकि अब जो है वो तो काफ़ी दिन हो चुका है पेमेंट जारी किए हुए, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन दिखना शुरू हो चुका है, ठीक है। और नीचे जो है बेनिफिशियरी लिस्ट में जो कि अगर आपको 4000 रुपये जो मिलेगा उन किसानों का लिस्ट में नाम दिखना शुरू हो गया है। आपको सिंपली राज्य, जिला, सब जिला, ब्लॉक और गांव सेलेक्ट करने के बाद गेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है इस प्रकार से, और नीचे जो है कुछ इस प्रकार से लिस्ट निकल के आ जाएगा। इस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो सीधे आपके बैंक खाते में ये राशि जारी की जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।